प्रिय बच्चों नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको सैद्धांतिक रूप से तो आता ही है पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि पत्र लिखिए, अगर मान लो आता है कि आपने एक सरकारी पत्र लिखना है, सरकारी पत्र लिखने में आपको कैसे लिखना होगा, मैं आपका ध्यान उस ओर भी आकर्षित करना चाहती हूँ। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं क्रमांक। क्रमांक क्या होता है? क्रमांक लिखेंगे हम, जैसे कुछ भी लिख सकती हैं आप, 502/4। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे लिख दिया आपने। जैसे एक होता है हमारे जो ऑफिस होते हैं उसमें रिसिप्ट रजिस्टर, और एक रजिस्टर होता है डिस्पैच रजिस्टर। जो रिसिप्ट रजिस्टर होता है, जो डाक कहीं और से आती है उस पर नंबर चढ़ा होता है। मान लो ये डीसी साहब के यहाँ से आई है, अगला पत्र जब लिखा जाएगा तो उसका क्रमांक क्या लिखेंगे, वो 502/5। अगला पत्र हमारे कॉलेज में आएगा, उसका नंबर क्या होगा, 502/6। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा तब क्या होगा, 202/7। ऐसे ही हमने इसका जवाब देना है। जब हम इसका जवाब देते हैं तो हमारे यहाँ क्या नंबर चल रहा होगा, 8009, तो क्या डलेगा, 1। हमने यूनिवर्सिटी में भेजना है, तब डिस्पैच रजिस्टर में क्या भर के भेजेंगे हम, 8009/2, और अगला क्या लिखेंगे, 8009/3। ये कभी कितने ही सालों से हमारे कॉलेज में चल रहा है, तो हम 8000 तक पहुंच गए, कहीं खत्म होकर फिर 1 से शुरू हुआ तो यहाँ पहुंच गए। तो ये क्रमांक आपने अपनी तरफ से कोई भी भर देना है। इसके बाद हमने क्या लिखना है, विषय वस्तु या वो विभाग। मान लो सरकारी पत्र में हम क्या लिखने जा रहे हैं, एक ऐसा पत्र लिखिए कृषि मंत्रालय को जिसमें कि हरियाणा सरकार की ओर से, कृषि मंत्रालय को पत्र लिखना है, हरियाणा सरकार की ओर से लिखना है। क्या लिखना है उसमें कि हमारे यहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ इत्यादि आ गई है और हमें कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ अनुदान दीजिए, कुछ राशि हमारे यहाँ राज्य में भेज दीजिए। तो कृषि मंत्रालय कहाँ पर है, भारत सरकार दिल्ली में है, और हरियाणा कहाँ पर हो गया, हरियाणा सरकार आप लिखेंगे पंचकुला। तो हमने यहाँ पर क्या विभाग देना है, कृषि मंत्रालय का हम क्री दे देंगे और मंत्रालय का हम म दे देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम सत्र कौन सा चल रहा है, 2020 और 21। तो हर पत्र में हमने क्या लिखना है, क्रमांक, चाहे आप यहाँ रोल नंबर लिख दीजिए अपना, चाहे 432/8, कुछ भी लिख सकते हैं इस समय, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ क्या लिखेंगे, विभाग, यहाँ क्या लिखेंगे, सत्र। आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे लिखना है, अगर पत्र आ जाता है तो आपने इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगी क्रमांक, क्रमांक कोई भी हो सकता है, विभाग का नाम लिखेंगी जिसको भेजना है, जिस विभाग की ओर से जा रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे आप सत्र। आपको सत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख देंगी 2020-21, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ लिखना है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है, भेजने वाला। भेजने वाला यहाँ कौन है, हम, हरियाणा सरकार कृषि मंत्रालय में एक पत्र लिखेगी, तो हम है हरियाणा सरकार के। जब सरकारी पत्र होता है तो उसमें नाम नहीं आता, आप पद का प्रयोग करेंगे, जैसे सेक्रेटरी को लिखते हैं तो आप लिखेंगी सचिव। और कहाँ हमने भेजना है, कृषि मंत्रालय है ना, तो हरियाणा का जो कृषि मंत्रालय है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को भेजेगा, तो हम लिखेंगे कृषि मंत्रालय किसकी ओर से जा रहा है, पंचकुला चंडीगढ़, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे सेवा में, सेवा में लिख सकती हैं आप, प्रति भी लिख सकती हैं आप, कुछ भी लिख सकती हैं, जिसको भेजा जा रहा है, किसको भेज रहे हैं, हमने अधिकांशतः सचिव को ही लिखना होता है, यहाँ आप लिखेंगी सचिव। अब किसको भेजना है, हमने कृषि मंत्रालय भारत सरकार को भेजना है, उनको ये कहना है कि हमारे यहाँ पर बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है, इससे कुछ राशि हमें भेजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कृषि मंत्रालय और लिखेंगे हम भारत सरकार दिल्ली, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ दिल्ली लिखकर आप इसको करेंगे पूर्ण विराम। इसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय क्या होता है, क्या विषय लिया हमने, जो प्रश्न आएगा उसी में से ढूंढना है। प्रश्न क्या है, हरियाणा सरकार की ओर से
कृषि मंत्रालय भारत सरकार को एक पत्र लिखिए जिसमें बाढ़ से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं उनको कुछ ना कुछ अनुदान प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है। तो हमने विषय क्या बनाया, अनुदान प्राप्ति हेतु, या और थोड़ा सा बड़ा समझ कर करना है तो क्या लिखेंगे, बाढ़ पीड़ितों के लिए अनुदान। मेरा आया नहीं क्या? ठीक है, आपको समझ आई, बंद कर दो। हाँ जी बेटे, तो आपको समझ आया कि पत्र लेखन कैसे लिखना है। ये है हमारा सरकारी पत्र लेखन, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि हम हरियाणा सरकार की ओर से एक पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? भारत सरकार को, कि हमारे यहाँ पर बाढ़ ग्रसित जितने भी क्षेत्र हैं उसमें बीमारियां फैल रही हैं, बहुत ज्यादा सामग्री का अभाव हो गया है, तो कुछ अनुदान राशि उनको दीजिए। मैंने आपको बताया कि ये लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रमांक लिखना है। आप क्रमांक कुछ भी लिख सकते हैं, 420/8। इसी प्रकार आप विभाग लिखेंगे, हम कृषि मंत्रालय की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने सत्र लिया, चाहे हम 2020-21 लिखें या आप 21-22 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब 22 में भी आपकी क्लास, आप 20 और 21 ही लिखिए क्योंकि आप 21 में ही आपका ये सत्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपने लिखना है प्रेषक जो भेजने वाला है, कौन था भेजने वाला, सचिव था जो हरियाणा सरकार की ओर से। और फिर उसके बाद हमने लिखना है प्रति, हम जिसको भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं सचिव को। और उसके बाद हम लिखेंगे हरियाणा भारत सरकार और दिल्ली, और यहाँ लिखेंगे हम चंडीगढ़ या पंचकुला। इसके बाद हमने क्या लिया था, विषय बाढ़ से निपटने के लिए या बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ अनुदान राशि। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय, महोदय लिखने के बाद हमने फिर कॉमा डालना है और हमने लिखना है कि पत्र क्रमांक इतने के अनुसार, वो पत्र क्रमांक कौन सा होगा, ये और ये एक जैसा ना लिखना, यहाँ कुछ और लिख देना, 804/3। दिनांक इतने लिखोगे आप, जितने हम यहाँ पर दिनांक ऊपर यहाँ भी डाल सकते हैं, हम दिनांक यहाँ लिख दे सकते हैं, हम दिनांक यहाँ पर लिखेंगे क्रमांक के नीचे, या हम इधर कॉर्नर पे भी जो आपकी जो जिस समय परीक्षा होगी तब आप यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। ये दिनांक हमने इससे पहले की देनी है, मान लो आपकी परीक्षा हो जाती है 27/2 को, तो हम ये क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 21/1 को कि हमने पत्र लिखा था पर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर बहुत ही ऐसी स्थिति चल रही है, आप कुछ भी अपनी तरफ से लिखेंगे कि किसानों को खाना भी नहीं मिल रहा, उनके बीज इत्यादि भी नहीं है आगे खेती करने के लिए। फिर अंत में हम इसके नीचे ही लिखेंगे भवदिया। आप जब पहले पढ़ा करती थी तो आप भवदिया वहां लिखती थी, अब बिल्कुल सारा ही कौन सा हाथ हो गया, ये उल्टे हाथ की तरफ हमने लिखना है, जिसमें हम लिखेंगे भवदिया, भवदिए लिख दीजिए क्योंकि आप सचिव की ओर से लिख रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे सचिव का नाम या कुछ, सचिव का नाम या कुछ भी आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर फिर अंत में क्या लिखेंगे, अब बताइए किसकी ओर से जा रहा है ये सचिव, कौन लिख रहा है, हम हरियाणा वाले, तो सचिव लिखेंगे यहाँ पर हम हरियाणा सरकार। इसी प्रकार एक होता है अनुस्मारक, अनुस्मारक क्या होता है, बार बार कोई भी बात याद करवाना, रिमाइंडर, अनुस्मारक होता है रिमाइंडर, जो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। मान लो हमने शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखना है, सरकारी पत्र लिखना है, जिसमें कि हमारे कॉलेज में हम चाहते हैं कि बीएड आ जाए, तो हम शिक्षा मंत्रालय को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, और रिमाइंडर क्या होता है, दोबारा से याद करवाना, हमने बहुत बार पत्र लिखा लेकिन वो बीएड के लिए कोई जवाब ही नहीं देते, तब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही लिखना है, हमने क्रमांक लिखेंगे 806/99। इसके साथ हम कहाँ भेज रहे हैं, देखिए पत्र कैसे लिख रहे हैं, हम हिंदू कन्या महाविद्यालय की ओर से शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिखिए, एक रिमाइंडर लिखिए शिक्षा मंत्रालय को, एक अनुस्मारक लिखिए। ये है अनुस्मारक, ये क्या है, नंबर 2 पॉइंट है, जो हमारा प्रश्न आएगा, पत्र लेखन कितनी तरह के होते हैं, सबसे पहले कौन सा है, कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र में पहला हमने कौन सा किया, सरकारी पत्र, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, अनुस्मारक, रिमाइंडर। रिमाइंडर में हमें क्या पूछा गया, शिक्षा मंत्रालय को हम बार बार लिख रहे हैं कि हमने कॉलेज में बीएड प्रारंभ करनी है पर हमें कोई भी जवाब नहीं आ रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शिक्षा मंत्रालय। फिर हम सत्र लिखेंगे 2021-2020। फिर हम लिखेंगे
आप बताइए प्रेषक कौन हुआ इसके अंदर? हिंदू कन्या महाविद्यालय की ओर से। तो हम क्या हुए? प्रेषक प्राचार्या जी लिखेंगी, जो हमारी प्रिंसिपल है प्राचार्या। और यहाँ हम पूरा नाम लिखेंगे हिंदू कन्या, ये पूरा पूरा लिखना है आपने, महाविद्यालय। और यहाँ लिखेंगे हम जीन। और किसको भेजा जा रहा है सेवा में? आपने क्या लिखना है इसमें? सचिव। कौन है सचिव? कहाँ का सचिव हम कह रहे हैं? हम शिक्षा मंत्रालय को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय। फिर हम लिखेंगे हरियाणा सरकार। हम तो अपनी हरियाणा सरकार को ही कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ पे शुरू कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा चंडीगढ़। इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे? विषय। विषय क्या लिखेंगे? बीएड के, बीएड का कोर्स लेने हेतु, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कोर्स लेने हेतु। फिर हम क्या लिखेंगे? महोदय। महोदय निवेदन यह है कि हमने आपको रिमाइंडर, क्या होता है दोबारा से याद करवाना। फिर हम वही करेंगे जहां पर हम यहां पर तिथि लिखेंगे, इस तिथि को देखते हुए महोदय निवेदन यह है कि हमने आपको बार बार यह निवेदन किया है कि हमारे यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज है और यहाँ पर यहाँ जींद में कोई भी बीएड का कॉलेज नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो यहाँ से विद्यार्थी ऐसे तैयार होकर जाएं जो कि पढ़ाने के लिए बहुत ही अधिक सक्षम हो। तो इसलिए आप कृपया बीएड देने का, बीएड कोर्स देने का कष्ट करें। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? भवदीय। कौन हुए भवदीय? हम हुए प्राचार्य। हिंदू कन्या महाविद्यालय आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राचार्य हिंदू कन्या महाविद्यालय। आपको समझ आई सरकारी पत्र लेखन में क्या होता है? आपको प्रश्न आ सकता है सरकारी पत्र लेखन का प्रारूप बताइए। प्रारूप क्या होता है कि कैसे लिखा जाता है? प्रारूप कैसे लिखा जाता है? नंबर एक, सबसे पहले क्रमांक लिखना होता है, क्रमांक के साथ साथ मंत्रालय का नाम और सत्र भी आता है, मंत्रालय का नाम और सत्र भी लिखा जाता है। नंबर दो क्या लिखते हैं? प्रेषक जो भेजने वाला है उसका पता, उसका पद, पद और पता लिखा जाता है। तीसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं? जिसको भेजा जा रहा है सेवा में अथवा प्रति जिसको भेजा जा रहा है उसका भी पद लिखा जाता है और पता लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है? विषय वस्तु लिखी जाती है। उसके बाद महोदय लिखा जाता है, संबोधन चिन्ह, संबोधन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है? विषय सामग्री लिखी जाती है। इसके बाद हमने बाई ओर ही भवदीय और लिखकर उसमें भी आपको पद और पता लिखना होता है। यदि आपको प्रश्न आता है सरकारी पत्र लेखन अनुस्मारक का प्रारूप बनाइए, तो प्रारूप आप ऐसे बनाएंगे इसके बाद क्या होता है। यदि आपको प्रश्न ही आ जाता है कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखिए जिसमें ये लिखा हो कि आपके कॉलेज में बीएड खोलने की अनुमति मिल गई, तब आप क्या करेंगी? प्रेषक। प्रेषक कौन है? भेजने वाला। कौन भेज रहा है? सचिव। शिक्षा मंत्रालय का सचिव हमको कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा मंत्रालय चंडीगढ़। और फिर सेवा में कौन हो जाएगा? किसको भेज रहे हैं हम? प्राचार्य जी को, प्राचार्य हिंदू कन्या महाविद्यालय चंडीगढ़। विषय क्या है? बीएड कोर्स देने की अनुमति। महोदय निवेदन यह है कि आपने क्रमांक कुछ भी लिखेंगे, 840/3 दिनांक कितने को एक पत्र भेजा था, आपके कॉलेज में बीएड खोलने की अनुमति दी जा रही है। सत्र 2021-22 में आप बीएड के नियमों को देखते हुए अपने कॉलेज में बीएड प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आएगा भवदीय। कौन हुआ भवदीय? यहाँ पर हो जाएगा भवदीय सचिव शिक्षा मंत्रालय। समझ आया आपको? तो आपको अगर लिखने में पत्र आता है तो आपने अपने ध्यान में रखना है क्रमांक लिखते हैं, प्रेषक लिखते हैं, सेवा में लिखते हैं, विषय लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, विषय फिर पूरा लिखते हैं जो है, और उसके बाद भवदीय का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद बच्चों।